स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। फर्स्ट द ब्लैंक्स बटन लुक लाइक अ स्टेम, तो कौन सा बटन है वो स्टेम की तरह दिखता है, तो डुप्लीकेट बटन। सेकेंड द ब्लैंक्स बटन इज यूज टू डिक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट, जो स्प्राइट की साइज है वो डिक्रीज कौन करता है, कौन सा बटन करता है, तो श्रिंक बटन। थर्ड द ब्लैंक्स मोड इज यूज टू शो योर प्रोजेक्ट टू द ऑडियंस, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो ऑडियंस किस तरीके से देख सकती है, तो प्रेजेंटेशन मोड में। फोर्थ देर आर ब्लैंक्स कैटेगरीज ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक्स की कितनी कैटेगरी है, तो 8। फिफ्थ द ब्लैंक्स एरिया इज द प्लेस वेर यू स्टेक द ब्लॉक्स टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द स्टेज, हमारा जो स्टेज है उसमें ब्लॉक्स है वो किस तरह परफॉर्म किस एरिया में परफॉर्म करता है, तो स्क्रिप्ट एरिया में। ठीक है, अब देखिए ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। फर्स्ट द अनलॉक स्प्राइट कैन बी ड्रैग इन प्रेजेंटेशन मोड, तो ट्रू, हाँ प्रेजेंटेशन मोड में ही ड्रैग होता है। सेकेंड व्हेन यू स्टार्ट स्क्रैच द टर्टल स्प्राइट इन द एट द सेंटर बाय डिफॉल्ट, ट्रू, हमारा जो टाइटल है टर्टल है वो कैट है हमारी, वो स्क्रैच में मिडल में होती सेंटर में होती है, बाय डिफॉल्ट सेंटर में होती है, ट्रू। थर्ड क्लिक द ग्रीन फ्लैग अगेन टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, तो फॉल्स, एग्जीक्यूशन को स्टॉप नहीं करता लेकिन ग्रीन फ्लैग है वो एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करता है। फोर्थ टू एडिट द टेक्स्ट बॉक्स इन अ ब्लॉक जस्ट क्लिक इन इट एंड चेंज द वैल्यू, ट्रू, हाँ हम टेक्स्ट बॉक्स में सिर्फ क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यू कैन रिकॉर्ड योर ओन साउंड इन स्क्रैच, ट्रू, हाँ हम हमारी आवाज़ स्क्रैच में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन स्क्रैच, यहाँ पे जो स्क्रैच का ऑब्जेक्ट है वो नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्क्रिप्ट डैश स्प्राइट्स ब्लॉक्स, तो डैश नहीं है। सेकेंड देखिए विच टैब इज नॉट प्रेजेंट इन स्क्रैच, यहाँ पे कौन सी टैब है वो स्क्रैच में प्रेजेंट नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है, तो ए स्क्रिप्ट बी कस्टम्स सी लिस्ट डी साउंड्स, तो लिस्ट है वो अवेलेबल नहीं है स्क्रैच में। थर्ड दिस बटन इज यूज टू इंक्रीज द साइज ऑफ स्प्राइट, स्प्राइट की साइज है वो इंक्रीज कौन सा बटन करता है, तो ग्रो बटन। फोर्थ दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्लॉक डिस्क्रिप्शन, ब्लॉक डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे कौन सा नहीं है, तो ए मोशन बी कंट्रोल सी डायरेक्शन डी वेरिएबल्स, तो सी डायरेक्शन है वो ब्लॉक डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है। फिफ्थ दिस एरिया इज यूज टू स्टेक द ब्लॉक्स, तो स्क्रिप्ट एरिया। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट देखिए हाउ विल यू डिलीट द कैट स्प्राइट फ्रॉम द स्क्रैच प्रोजेक्ट, आप कैट का जो स्प्राइट है उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो डिलीट बटन लुक लाइक ए सीजर, यहाँ पे जो सीजर का बटन है वो डिलीट करने के लिए होता है, वो डिलीट बटन का काम करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको सीजर वाला जो बटन है उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लिक द डिलीट बटन एंड देन क्लिक अ स्प्राइट और ब्लॉक टू इमीडिएटली रिमूव इट फ्रॉम द मैसेज, आपके मैसेज में से जो स्प्राइट है वो इमीडिएटली डिलीट हो जाएगा जब आप डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तब। सेकंड हाउ विल यू एडिट द टेक्स्ट बॉक्स इन अ मूव ब्लॉक, आप मूव ब्लॉक में टेक्स्ट बॉक्स को कैसे एडिट कर सकते हैं, यू कैन एडिट द नंबर इन अ टेक्स्ट बॉक्स बाय सिंपली क्लिकिंग ऑन इट एंड चेंजिंग इट टू सम अदर नंबर, लेट अस चेंज इट टू 50, क्लिक इट एंड सी व्हाट हैपन, द कैट स्प्राइट मूव टू लेफ्ट बाय 50 स्टेप्स, यहाँ पे आपको एडिट नंबर को एडिट करना है तो आपको टेक्स्ट बॉक्स में सिंपली
क्लिक करना पड़ेगा अब उसको और उसको चेंज करना पड़ेगा। आप क्लिक करके उसको चेंज करेंगे तो वो नंबर है वो चेंज, उसका जो जो स्प्राइट है वो चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कि आप अपने टेक्स्ट बुक्स में 50 लिखा हुआ है नंबर, उसके बाद आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि जो कैट है वो 50 लेफ्ट साइड से 50 स्टेप मूव हो जाएगा। अब देखिए नेम द 3 टैब्स प्रेजेंट इन स्क्रैच। द 3 टैब्स आर यूज्ड टू चेंज द करंट स्प्राइट, यानी कि स्क्रिप्ट, कस्टम्स एंड साउंड, ये 3 टैब है जो आपको स्क्रैच में दिखाई देगा, स्क्रिप्ट, कस्टम्स एंड साउंड। फोर्थ देखिए, हाउ विल यू रन द स्क्रिप्ट इन स्क्रिप्ट एरिया। द स्क्रिप्ट एरिया इज द प्लेस वेर यू स्टेक द ब्लॉक टू परफॉर्म एन एक्शन ऑन द स्टेज रिगार्डिंग द करंट स्प्राइट। आप स्क्रिप्ट एरिया में आप ब्लॉक परफॉर्म करेंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे स्टेज पे, तो उसका रिगार्डिंग द करंट स्प्रेड आपको करंट स्प्रेड में दिखेगा। फिफ्थ, डिस्क्राइब हाउ यू विल रिकॉर्ड योर ओन साउंड। आप अपना साउंड है वो किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये देखिए, क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू ओपन द साउंड रिकॉर्डर। आप रिकॉर्ड बटन ओपन करेंगे तो साउंड रिकॉर्ड बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक द रिकॉर्ड बटन टू रिकॉर्ड योर साउंड एंड क्लिक ओके। आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा ताकि आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और उसके बाद जब आपका साउंड रिकॉर्ड हो जाए तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। द रिकॉर्डेड साउंड विल बी एडेड द साउंड लिस्ट। आपका रिकॉर्ड है, आपका जो साउंड है वो रिकॉर्ड हो जाए तो आप जब आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका